तो नमस्कार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ब्रेकिंग न्यूज में। स्टूडेंट्स, अभी अभी बोर्ड प्रयागराज की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई खबर। यहाँ पर क्या लिखा गया देख लीजिए, लिखा हुआ है कि 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए एक और मौका। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे जो खबर है ये कक्षा 12 के प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं कि जिन बच्चों का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम किसी कारणवश स्टूडेंट्स छूट गया था, तो वो फिर से एक बार से प्रैक्टिकल दे सकते हैं, या फिर वो एब्सेंट थे उस दिन तो भी यहाँ पर उनको प्रैक्टिकल देने का एक मौका मिल गया है। चलिए आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को मिला एक और मौका 13 और 14 मार्च। जी हाँ स्टूडेंट्स, तारीख का आप ध्यान रखेंगे 13 और 14 मार्च। मैं यहाँ पर हाईलाइट थोड़ा सा कर देता हूँ, ये आप इसको ध्यान रखेंगे 13 से 14 मार्च। ठीक है भाई, सर्कल भी मैंने लगा दिया है, 13 से 14 मार्च को होगी दोबारा प्रैक्टिकल की परीक्षा, यानी 13 से 14 मार्च को दोबारा से प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। और जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा छूटी है, यानी जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा क्या हुई है छूटी है, वह दे सकेंगे परीक्षा, यानी वो फिर से एक बार कर सकते हैं परीक्षा दे सकते हैं। बोर्ड ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए, जो छात्र हित था इसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है और छूटी प्रैक्टिकल परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया है। यानी बोर्ड ने इस बार आपकी जो छूटी हुई परीक्षा थी उसको कराने का फैसला लिया है और सभी जिलों के कॉलेजों में परीक्षार्थी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सभी जिलों के कॉलेजों में परीक्षार्थी संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा भी हुआ है, सभी जिलों के कॉलेजों में परीक्षार्थी संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये आई होप सो स्टूडेंट्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो का पसंद आई हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो तक। जय हिंद और वंदे मातरम।